हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स। आज इस कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में हम टेक्स्ट टूल के बारे में और डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लीजिए। हमने इस पे रेक्टेंगल शेप ऑलरेडी क्लिक कर दिया है। फ्रेंड्स, आज इस सॉफ्टवेयर में हम टेक्स्ट टूल में कुछ और आगे देखेंगे, हाउ टू फिट टेक्स्ट इन अ पाथ। हम किसी भी शेप पे टेक्स्ट टूल कैसे फिट कर सकते हैं, आज हम इस इफेक्ट को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक सर्कल क्रिएट कर लिया है। अब इस सर्कल के टॉप में हम किस तरह से एक टेक्स्ट फिट करेंगे, चलिए हम इस इफेक्ट को आज सीखेंगे। तो आप यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट ही सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। सपोज मैं इस टाइप कर रहा हूँ, वेलकम टू डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स। हमने इसे कंट्रोल ए से पूरी तरह से सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट 3 एंड देन अपर केस ओके। आप चाहे तो इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले लेसन में बताया था। ये ही इसका साइज आप स्मॉल कर सकते हैं। अब सेंटर लाने के लिए सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर सर्कल को एंड देन सी। अब देख सकते हैं ये पूरी तरह से सेंटर में आ चुका है। अब हम इस सेंटेंस को इस टेक्स्ट के साइड में फिल करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फिर आप शेप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन हमारा ऑप्शन से यहाँ पे टेक्स्ट टूल, इस टेक्स्ट टूल पे आप क्लिक कीजिए, फिट टेक्स्ट टू पाथ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये इसके टॉप पे पूरी तरह से फिट हो जाएगा। अब आप इस सर्कल को हटाना चाहे तो इस सर्कल के बीच में आप डबल क्लिक कीजिए एंड देन डिलीट बटन दबा दीजिए। अब देख रही है राउंड में पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब आप एक और सर्कल लीजिए, अब आप चाहे तो इस पे कलर भी फिल कर सकते हैं। सपोज मैं इस पे ब्लू कलर फिल कर रहा हूँ। अब आप एक और शेप लीजिए, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, आप इस पे रेड कलर फिल कर दीजिए, ये जो चाहे वो फिल कर सकते हैं। अब आप इसे शिफ्ट प्रेस करके पेज डाउन बटन प्रेस कर सकते हैं। अब टेक्स्ट का कलर भी इसमें जो चाहे वो फिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हाउ टू फिट टेक्स्ट इन अ पाथ। एक पाथ पे हम किस तरह से टेक्स्ट फिट कर सकते हैं, आज इस लेसन में हमने ये चीज सीखा है। आप चाहे तो इस तरह से किसी लोगो को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल्स में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।